गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दिस ब्लॉग। आज मैं बताऊंगा 20 रुपीज पे करके आप कैसे हजारों व्यूज ले सकते हैं गूगल एडवर्ड के जरिए से। जिसका भी नया चैनल है जो मुश्किल होता होगा व्यूज नया गेन करने के लिए। अभी देखिए, मेरा जो चैनल जो था पहले कुछ अलग ही सब्जेक्ट पे था, तो अभी मैं यूट्यूब में शिफ्ट हो चुका हूँ। यूट्यूब कंटेंट को लेकर यूट्यूब के बारे में मैं जो बताता हूँ, अभी तो मेरा जो चैनल है ना थोड़ा शिफ्ट हो गया है, तो अभी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। मेरा जो पुराना ऑडियंस, मेरे पास जो पुराना सब्सक्राइबर था, वो रिलेटेड ब्लॉग्स, ट्रैवलिंग, जो मार्केट वगैरह जो मैं रिव्यू करता था उसके ऊपर था, तो अभी मेरा जो चैनल है नीचे चेंज हो चुका है, तो इसलिए मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है व्यूज़ आने में। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो गूगल एडवर्ड के थ्रू मेरा जो सब्सक्राइबर है जो नया जो चैनल के ऊपर, उसके थ्रू मैं गेन करने का कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा दिक्कत भी हो रहा है। तो गाइस अभी चलते हैं, मेरा डेस्कटॉप पे मैं दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे आपका चैनल का जो पर आप वीडियो बना रहे उसको वो रिलेटेड जो ट्रैफिक है आपका चैनल के तरफ आप कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस स्टेप बाय स्टेप आपको मैं पूरा बताता हूँ। तो गाइस मैं आ गया मेरा डेस्कटॉप पे। अभी मैं देखिए कोई भी आप सर्च इंजन उठा लीजिए, मैं क्रोम में चला जाऊँगा। क्रोम में जाकर मेरा जो प्रोफाइल है मैं ले लूँगा। लेने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपली गूगल एडवर्ड मार देना है। क्यों नहीं आ रहा है देखिए, मैं गूगल का सर्च इंजन में आ गया। तो अभी यहाँ पर आपको जो गूगल एडवर्ड आपको सिंपली मार देना है। तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप शो करेगा मैं कितना सारा कैंपेन शो कर रहा था। सबसे पहले मेरा ही एड दिखेगा यहाँ पर। तो अभी देखिए आपको यहाँ पर जाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर कुछ बैलेंस लो की वजह से कुछ आ रहा है, फिक्स लो करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, आप सिंपली चला जाइए वहाँ पर। यहाँ पर आपको गूगल एडसेंस अकाउंट आपको ओपन हो जाएगा एडवर्ड का। देखिए यहाँ पर अभी मेरा कुछ भी लागू नहीं चला, तो मैं देखिए बहुत सारा कैंपेन मैं यहाँ पर रन कर चुका हूँ, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारा कैंपेन मैं रन कर चुका हूँ, क्योंकि आपको जो पहले स्टोरी बता चुका हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर नया कैंपेन शुरू करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको कैंपेन में चला जाना है, जाने से यहाँ पर न्यू कैंपेन भी आप शुरू कर सकते हैं। तो रिव्यू में आना है, सॉरी। देखिए यहाँ पर आप न्यू कैंपेन बोल के लिखा आ रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप सिंपली आपका जो उनका साइड है ऑब्जेक्ट आपको बता देगा क्या करना है क्या नहीं करना है, वेबसाइट ट्रैफिक वगैरह सब कुछ यहाँ पर। तो आपको भी क्या चाहिए, आपको सिर्फ विदाउट गोल, आपको सिर्फ आपका वीडियो पे व्यूज आना, एंगेजमेंट चाहिए आपका चैनल के साथ, ठीक है ना। उसके लिए आपको सिंपली क्लिक कर देना है वीडियो, आपको जो वीडियो रिलेटेड है तो वीडियो आप यहाँ पर क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक यहाँ पर वीडियो व्यूज ले लेगा आपको। मैं और एक इतना आसान ट्रिक बताऊंगा, आप कम पैसे में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ पाए वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए अभी मैं चला गया, अभी और एक गाइस मैं यहाँ पर देखिए बता रहा हूँ, जो पैसा देकर जो व्यूज़ लाते हैं थर्ड पार्टी से वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना। जो आपको जेन्यून जितना भी यहाँ पर आपको सब्सक्राइबर भी मिल जाएगा, व्यूज़ भी मिल जाएगा और आपका चैनल का एंगेजमेंट भी मिल जाएगा। तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ थर्ड पार्टी से आप कुछ ना करें। जिन लोग होते हैं ना जो फेक स्पैम वगैरह आपको चैनल में दे देते हैं, तो वो आपको चैनल को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट पड़ता है, तो आप ऐसा चीज़ कुछ भी ना करें, ठीक है ना। तो अभी देखिए कुछ भी मैं कैंपेन का नाम नेम में दे दूंगा, सॉरी फिर से यहाँ पर आ गया, अरे सॉरी सिलेक्टेड ओके। तो मैं चैनल का नेम में अभी देखिए यहाँ पर कैंपेन नेम क्यों है, क्योंकि आप कौन सा वीडियो डाल रहे हैं आपको भी पता होना है ना। अब मैं अभी यहाँ पर सोचे 3-4 वीडियो में डाल दूंगा, हर एक वीडियो का सेम डेट वगैरह कुछ ले लेगा, ठीक है ना। तो आपको पता भी नहीं चला कौन सा वीडियो क्या है, इसके लिए यहाँ पर कैंपेन का जो नेम है डालना जरूरी है। तो मैं क्या डालूंगा, तो मेरा जो चैनल जो मैं वीडियो के ऊपर कैंपेन डालूंगा उस वीडियो का मैं टाइटल यहाँ पर दे दूंगा। तो मैं कंटेंट में चला जाऊँ, मेरा जो जितना सारा कंटेंट है वहाँ से मैं अभी लेटेस्ट जो मैं वीडियो किया हूँ उसमें मैं अभी आऊँगा, एक मिनट मैं ले लूँगा अभी रिव्यूज कंटेंट को। ये रिव्यूज कंटेंट को यहाँ पर आपको कहाँ गया, ठीक है छोड़िए, यहाँ से मैं डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर लिंक होगा, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करने वाला हूँ। सॉरी मिस्टेक इसको लेके यहाँ पर सिंपली यहाँ पर पेस्ट करने वाला हूँ। ओके ये हो गया। अभी देखिए यहाँ पर बीट स्ट्रेटजी दिया, इसको बारे में आपको बाद में बताऊँगा। तो देखिए टोटल क्या कैंपेन यहाँ पर दिया, टोटल अमाउंट कितना रहेगा आपका, डेली का कितना रहेगा। तो मैं डेली का मिनिमम से मिनिमम में देखिए यहाँ पर 30 रुपीज़ पकड़ूंगा, बहुत ही कम पकड़ूंगा, डेली स्पेंड करूँगा, ठीक है ना। मैं ज़्यादा भी नहीं करूँगा क्योंकि मैं वीडियो के लिए बता रहा हूँ। तो देखिए इसका मैं 3-4 वीडियो ऐड करूँगा, इसलिए मैं कम पैसा पकड़ा हूँ। अभी इसमें पैसा ऐड भी कैसा करते हो वो भी मैं आपको दूसरा वीडियो में बताऊँगा।
मैं कब तक होना यहाँ पर सिलेक्टेड डेट, एंड डेट का स्टार्ट डेट मेरा 29 रहेगा और एंड डेट कब रहेगा वो भी मैं सिलेक्ट कर दूंगा, क्योंकि नहीं पता कब तक चलेगा मेरा पूरा अमाउंट इसके ऊपर ना चला जाए, ठीक है ना। इसलिए मैं इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम संडे मंडे तक रख दूंगा, क्योंकि संडे तक का भी ट्रैफिक अच्छा खासा रहता है। तो मैं क्या करता हूँ इसको, अरे यार ऊपर आ जा, 8 तारीख तक रख दूंगा अराउंड 1 वीक क्या ये, ठीक है। अभी नेटवर्क, अभी मैं आपको किस किस को चाहिए, तो ओनली देखिए वीडियो पार्टनर ऑन गूगल ये आपको नहीं चाहिए, क्योंकि गूगल में जो सर्च करने जाते हो वो आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका चैनल का एंगेजमेंट के लिए। तो ये हाँ सब हटा दे, क्योंकि देखिए ज़्यादा कम से कम पैसा में आपको ज़्यादा व्यूज एंगेजमेंट ज़्यादा चाहिए तो आपको ये सारा स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी देखिए मैं यहाँ पर 3 लैंग्वेज सेलेक्ट किया हूँ, बंगाली, इंग्लिश और हिंदी, पूरा तीनों रिलेटेड जितना सारा यूट्यूब से रिलेटेड ज़्यादा जो व्यूअर्स है इसी एक लैंग्वेज के ऊपर है, तो मैं इसको ले लिया हूँ। यहाँ पर देखिए एक नया चीज़ ऐड किया है उन लोग, तो यहाँ पर आपको इसको डिसेबल कर दीजिए, ये भी नहीं चाहिए हमें, तो आप डिसेबल कर दीजिए। तो उसके बाद अभी आते हैं देखें एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग में क्या रहता है, आपका डिवाइस कौन सा डिवाइस में आपको व्यूज आना है। तो यहाँ पर देखें कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट्स एंड टीवी का आपको इफेक्ट नहीं पड़ता ज़्यादा देर, तो आपको नहीं चाहिए कंप्यूटर, इसको आप टीवी का हटा दीजिए और कंप्यूटर का हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही कम चांसेस रहता है आपका जो साइड में क्लिक करने के लिए, तो ये चीज हटा दीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या क्या रहेगा देखिए, यहाँ पर मोबाइल एंड टैबलेट, ठीक है ना, और ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी चलेगा, ऑल डिवाइस मॉडल जितना भी चलेगा जो भी नेटवर्क है किसी में भी एक्सेप्टेड है, तो आपको ये कर दीजिए तीनों। मतलब देखो ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी iOS रहेगा, एंड्रॉइड रहेगा, किसी में भी सपोर्ट करेगा, किसी मोबाइल में दिखाएगा, और डिवाइस कोई भी डिवाइस में दिखाएगा, ऐसा कोई स्पेसिफिक ब्रांड में आप शो नहीं कर रहे, कहीं भी दिखाएगा कोई भी नेटवर्क, मतलब जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जितना भी पूरा दिखाया गया यहाँ पर, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बात को समझे, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर हो गया शेड्यूल, ये आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। अभी फिर से आपको ग्रुप नेम भी दे देना है, तो ग्रुप नेम में सेम एज इट इज जो मैं दिया था वहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा, कॉपी सेव। अभी कीवर्ड यहाँ पर आपको कुछ भी छिड़खनी नहीं करना है, ये कीवर्ड वगैरह क्या, तो देखिए यहाँ पर कीवर्ड वगैरह को और प्लेसमेंट हटा देना, क्योंकि यहाँ पर प्लेसमेंट और कीवर्ड आप ऐड करेंगे ना आपको अमाउंट ज़्यादा चार्ज करेगा, ठीक है ना, तो आप ये हटा देना है। तो अभी यहाँ पर आपका वीडियो का लिंक दे देना है, जो भी आप वीडियो को चलाना चाह रहे उस वीडियो यहाँ पर सिंपली कॉपी करूँगा, आपको यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर इसको कॉपी कर देना है, सॉरी। अब देखिए स्केपेबल ऐड है और एक है इन फीड ऐड, मतलब आप जो वीडियो देख रहे ना उसका नीचे सिम एस देखिए ऐसा कुछ आएगा, ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पर ऐसा आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या देना है, जो आपका टाइटल है वीडियो का वहाँ पर दे देना है कॉपी, और यहाँ पर आपको सिंपली वो पेस्ट कर देना है। तो अभी यहाँ पर देखिए वॉच दिस वीडियो में लिख दूंगा, सिंपली कुछ नहीं रहेगा, वीडियो बस देखिए कुछ ऐसा शो करेगा, अभी एक कंटेंट का टाइटल यहाँ पर आ जाएगा वॉच दिस वीडियो, ठीक है ना, और यहाँ पर मेरे चैनल का नाम रहेगा, ये हो गया। अभी आप यहाँ पर देखिए मिनिमम कितना दे रहा है 55, तो अभी इसको लागू कर दीजिए, मैं आपको बताऊंगा आगे स्टेप बाय इसको कैसे कमाना है, इसको कम करने का भी ट्रिक अलग है, मैं बताऊंगा आगे का वीडियो में। देखिए तो अभी क्रिएट कैंपेन में चला जाइए, ठीक है ना, क्रिएट कैंपेन हमारा हो गया, जाने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू फॉर रिव्यू, यहाँ पर रिव्यू के लिए आपको कुछ टाइम ले लेगा यूट्यूब वाले, तो उसके बाद आपको फिर से मिलता हूँ इसी चैनल पे। देखिए यहाँ पर रिव्यू पे चला गया, तो अभी देखिए यहाँ पर 30 रुपीज बजट पर डे के हिसाब से मैं लगा दिया हूँ, और यहाँ पर एलिजिबल दिखा रहा है, तो अभी ये रिव्यू के लिए देखिए कुछ टाइम ले रहा है, ये 1 to 2 days या मैक्सिमम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा में हो जाता है मैक्सिमम, उतना 1-2 दिन नहीं लगता है। तो अभी देखिए यहाँ पर दिखा रहा, अभी देखता हूँ रिव्यू के बाद जो रिजल्ट आता है आपको मैं बताता हूँ, ठीक है ना, कि तो मिलते हैं डायरेक्ट। तो बस फाइनली मेरा जो ऐड के लिए मैं डाला था, देखिए फाइनली अभी रिव्यू कंप्लीट हो चुका है और अभी व्यूज़ भी आना शुरू हो गया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी चला जाऊँगा मेरा प्रोफाइल पे, यहाँ पर देखिए ऑलरेडी एडसेंस में लॉगिन करके रखा हूँ, तो यहाँ पर ऑल कैंपेन में चला जाऊँगा, जाने के बाद देखिए यहाँ पर ऑल कैंपेन यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑल कैंपेन वीडियोस एंड जो जो मैं वीडियो पे डाला था, देखिए यहाँ पर मैं वीडियो देखिए यहाँ पर मैं 4 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड भी कर चुका, 4 वीडियो मैं डाल भी चुका हूँ कैंपेनिंग के लिए। तो पहले जो मैं वीडियो डाला था जो रिव्यूज कंटेंट जो आप लोगों का जो देखे थे, तो उसका भी यहाँ पर मैं रिव्यू में आ जाऊँगा।
तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी 866 इंप्रेशन आ चुका है और 39, और मैं जो पहले में डाला था कितना बिट्स में डाला था वो मेरा जो बीटा 55 बिट्स, अभी वो सीपीपी कितने में 35 में कर चुका हूँ। देखिए यहाँ पर है ना 55 से 35 कर दिया हूँ। तो जब आपका अप्रूव हो जाता है उसके बाद आपको उसको डाउन कर दीजिए। अप्रूव के लिए आपको जितना रिक्वायरमेंट चाहिए अमाउंट उसको आपको देना पड़ेगा, उसके बाद जाकर आप ये बिट्स अब चेंज कर सकते हैं। तो अभी देखिए मैक्सिमम बिट्स में 35 कर चुका हूँ, मतलब मुझे पर व्यूज का भी पर क्लिक पर व्यूज में देना पड़ता है ओनली 35 पैसा। तो अभी देखिए ऐसा अभी जो प्रोसेस के लिए आपको पहला 55 आपको देना पड़ेगा 55 पैसा, उसके बाद जाकर आप उसको कमा के बिट्स डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो गाइस कुछ ऐसा रहता है, अभी इसको रिलेटेड भी कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।